इस चैनल पे हमेशा मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को नॉलेज देता रहो, इन्फॉर्मेशन देता रहो, चाहे वो बाइक के बारे में हो, चाहे कोई नई बाइक आ रही हो, चाहे कोई रिव्यू हो या फिर कोई कंपैरिजन हो। इस तरीके से मैं आप तक कुछ थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन पहुंचाने की कोशिश करता हूं, बट इस प्रोसेस में एक चीज़ रह जाती थी, वो थे आपके कुछ सवाल और आपके सवालों के जवाब जो मैं दे नहीं पा रहा था। तो अभी से मैं क्या कर रहा हूं? एक नया सेगमेंट लॉन्च कर रहा हूं अपने चैनल पे, जहां पे अपन पिछले वीक के जो भी वीडियोस अपलोड करेंगे उस पे कुछ इंटरेस्टिंग कमेंट्स जो भी होते हैं या फिर आपके कोई सवाल होते हैं उनका जवाब देंगे अंडर 2 मिनट्स। जी हाँ, 2 मिनट के अंदर फास्ट फॉरवर्ड में आपके सवालों के जवाब देंगे। तो इस नए सेगमेंट को हम लॉन्च कर रहे हैं, बट नए सेगमेंट का नया इंट्रो ये रहा आपके सामने। तो लॉन्च करते हैं अपना 2 मिनट का काउंटडाउन और क्वेश्चन के आंसर देते हैं। पहला क्वेश्चन है गावरू द गाय की तरफ से, सर होंडा CB500X कब आने वाली है? तो होंडा की तरफ से कंफर्मेशन तो आ गया था कि 300 और 500 सीसी में होंडा रॉयल एनफील्ड के अगेंस्ट एक बाइक लॉन्च करेगा, बट लॉकडाउन की वजह से अब सारी चीज़ें तहस महस हो गई है, तो इस साल में शायद होंडा 500X जल्दी आने की कोशिश होगी होंडा की तरफ से। उसके बाद में क्वेश्चन आता है राजदत्ता की तरफ से, आरी हिमालयन वर्सेस KTM 390 एडवेंचर कंपेयर वीडियो प्लीज़। ज़रूर हम फ्यूचर में ऐसा एक वीडियो लाएंगे आपके लिए राजदत्ता भाई, थैंक यू सो वेरी मच फॉर सजेस्टिंग। उसके बाद क्वेश्चन आता है तन्मय नंडी की तरफ से, दादा हिमालयन BS6 क्या रिलायबल है? उसके ऊपर कुछ बनाइए प्लीज। हिमालयन BS6 की जगह अगर मैं बोलना चाहूँ तो रॉयल एनफील्ड अगर 650cc इंटरसेप्टर का इंजन अगर हिमालयन में डालता है तो बहुत ज्यादा रिलायबल हो जाएगी ये बाइक। हमारे सेकंड वीडियो पे कमेंट आया था शिप नॉलेज की तरफ से, गुड टू सी यू अगेन प्लीज भाव, इस चैनल पे एक्टिव रहो जैसे कि आप ब्लॉग चैनल पे रहते हो। तो जी हाँ, अगर आपने नोटिस किया होगा पिछले वीक में मैंने 3 से 4 वीडियोस डाले हैं, तो इस चैनल पे भी कंसिस्टेंसी बनी रहेगी। इसके बाद क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग आता है पीयूष पंचभागे की तरफ से, टोटली एग्रीड एंड RS 400 लॉन्च होनी चाहिए, बट ये सीधा कॉम्पीट करेगी अपनी सिबलिंग RS C 300 के साथ, 390 के साथ में, तो यही एक डाइसी सिचुएशन हो सकती है बजाज अपनी RS 400 ना लॉन्च करे, क्योंकि सेम कंपनी में 2 प्रोडक्ट लॉन्च करना एक दूसरे के साथ कॉम्पीट करे जैसा होता है। इसके बाद सवाल आता है राइड योर लक की तरफ से, डोमिनार 400 इज सुपर सक्सेस ब्रो। जी हाँ, पिछले वीडियो में मैंने RS 400 की वीडियो में बोला था कि डोमिनार थोड़ा सेल्स में उतना नंबर अच्छा नहीं कर पाए, तो इस वजह से भाई ने कमेंट किया। तो जी हाँ, डोमिनार 400 इज़ अ सक्सेसफुल बाइक, बट जो एक्सपेक्टेशन थी बजाज की डोमिनार की तरफ से वो हिट नहीं कर पाए थे, ऐसा उन्होंने अपने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था। जिंदर दीमान ब्रो, आप अपनी टी शर्ट तो प्रेस कर लेते, तो मेरी और ऐसे 3 और कमेंट आए थे, तो मेरी टी शर्ट से ज़्यादा मैं जो बात कर रहा हूँ उस पर अगर आप ध्यान दोगे तो आपका थोड़ा इन्फॉर्मेशन अच्छा मिलेगा। मेरी टी शर्ट तो आयन होती रहेगी, नहीं होती रहेगी, टेंशन नहीं ले। इसके बाद हम लास्ट सवाल लेते हैं सर्वेश पाटिल का, दादा सब्सक्राइबर क्यों नहीं बढ़ रहा है, 65K ही दिखा रहा है। तो गाइज, इसी सवाल का जवाब हम आपसे ही लेना चाहेंगे, प्लीज सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा और इस न्यू सेगमेंट को भी सपोर्ट कीजिएगा, जाते जाते इस वीडियो को लाइक भी कर देना, 65 के ऊपर भी हमको जाना है। तो स्टे ट्यून्ड एंड ये सेगमेंट कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताना, थैंक यू।